हाय गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद ज़ीनत। आज मैं आपके लिए सेवई कस्टर्ड बनाने जा रही हूँ, उसी की रेसिपी लाई हूँ, जिसके लिए हमने 2 चम्मच वेनिला कस्टर्ड लिया है, 1 कटोरी सेवई है, घर की बनी हुई, आप बाजार की भी सेवइयाँ ले सकते हैं, 1 कटोरी चीनी है, 40 से 50 ग्राम तक हमारा मिल्क पाउडर है, नेस्ले का है, आप कोई भी यूज कर सकती हैं, देसी घी है 1 से 1.5 चम्मच और 1 ग्लास दूध है। इससे हम 2 ग्लास दूध डालेंगे, हमने 1 ग्लास रखा, एक और ग्लास डालेंगे, 2 ग्लास दूध लेंगे। हमारा पैन गरम हो चुका है, हम इसमें सबसे पहले घी डालेंगे, ये घर का बना हुआ घी है। अब हम इसमें इसमें सिवैया डाल के हल्की फ्राई करेंगे, ब्राउन होने तक हम सेवइयां भूनेंगे, जो हमारा सेवइयां बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो जाए। ये कस्टर्ड आप जरूर ट्राई कीजिएगा, फ्रूट वाले कस्टर्ड भी आम है, आप सेवइयों वाला बनाइए, बच्चों को भी जरूर नई चीज पसंद आएगी और काफी इजी भी है बनाना। अब हम इसको गोल्डन ब्राउन भूनते हैं, सेवइयां हमारी गोल्डन ब्राउन हो गए हैं, अब हम इसमें दूध डाल देंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे, 1 ग्लास दूध हमें और डालना है, ये दूसरा ग्लास भी हम इसमें डाल लेंगे, थोड़ा सा दूध हम बचा लेंगे हमारा कस्टर्ड घोलने के लिए, और इसे हम बीच बीच में चलाते हुए सेवइयां गलने तक हम इसे पकाएंगे। चीनी पहले नहीं डालेंगे, चीनी अगर आप पहले डाल देंगे तो सेवइयां आपकी नहीं गलेगी। हम मीडियम फ्लेम पे इसको सेवइयां गलने तक इसको पकाएंगे और बीच बीच में आप इसको चलाती रहिए कि हमारे दूध हमारा बिल्कुल जले नहीं, अगर थोड़ा भी दूध जल जाएगा तो कस्टर्ड का टेस्ट बिल्कुल खराब हो जाएगा। एक उबाल हमारा आ गया है, अब हम इसमें 2 चम्मच मिल्क पाउडर डाल देंगे। गाइस, हमारा सेवइयां बिल्कुल तैयार हो गई है, अब हम कस्टर्ड में दूध मिलाएंगे और अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे। इसमें ही हम मिल्क पाउडर भी डाल देंगे, और इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। सारे मिल्क पाउडर हमने मिला दिए हैं, और ये अगर ना मिले तो कोई बात नहीं है, ये इसके अंदर पतीली में अच्छे से मिक्स हो जाएगा, और हमने सारा उसमें डाल लिया है और हम इसे अच्छे से चलाएंगे। अब हम साथ में चीनी डाल देंगे, चीनी थोड़ा पानी छोड़ता है, चीनी में भी पानी रिलीज होता है, और हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गाइस, आपके पास अगर वनीला एसेंस है तो आप 2 बूंद उसमें, 1 से 2 बूंद वनीला एसेंस डाल लें खुशबू के लिए, और इसे गाइस हमने सब कुछ चीनी डाल दिया है और इसे 5 मिनट तक हमने इसे लो फ्लेम पे पका लिया है। हम देख सकते हैं हमारा कस्टर्ड बिल्कुल रेडी है, अब इसे रूम टेम्परेचर पर आने देंगे, फिर हम इसे फ्रीज में ठंडा करेंगे। गाइज, हमारा कस्टर्ड बिल्कुल ठंडा हो गया है, फ्रिज से अभी हमने लाया है, साथ में हमने फ्रूट में मैंगो को छोटे छोटे टुकड़े में काट लिया, आप अपनी पसंद की कोई भी फ्रूट ले सकती हैं। आज हमारा ये टिप्स है कि आप कभी भी कस्टर्ड में फ्रूट डाल के ना रखें, जब सर्व करना हो उस समय ही, जब भी आप कस्टर्ड सर्व करें तभी साथ के साथ फ्रूट डाल के आप सर्व करें। अब हम इस कस्टर्ड को सर्व करेंगे, सबसे पहले हम इसमें मैंगो डालेंगे, आप अपने हिसाब से आपको जो फ्रूट पसंद हो आप वो ले सकते हैं। आप इसमें मैंगो डालेंगे, उसके ऊपर से हम कस्टर्ड डालेंगे, फिर हम दूसरी कटोरी में भी कस्टर्ड डालेंगे और ऊपर से हम थोड़ा सा मैंगो डालेंगे, इसमें आप डालेंगे। आप इस पे बच्चों के लिए टूटी फ्रूटी भी डाल सकती हैं,
आइसक्रीम भी डाल सकती हैं और आपको जो फ्रूट पसंद हो आप वो फ्रूट डाल सकती हैं। देखिए गाइस हमारा कस्टर्ड सर्व हो गया। आपको अगर हमारी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।